अब इस इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव इफेक्ट्स बेसिक है, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है। इंडक्टिव इफेक्ट्स बाद हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बाद मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, इससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पहले इंडक्टिव इफेक्ट्स का हम लोग पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट्स में दो टाइप्स होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, वो भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं। इस इंट्रोडक्शंस में यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है क्या है। तो इससे पहले हम लोग कुछ एक नॉन पोलर, पहले दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड एक्चुअली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैक्सिमम जो बॉन्ड होता है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करता है वो इक्वल शेयरिंग्स बाय एटम्स, इट इज़ फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम, इक्वल शेयरिंग। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इक्वल शेयरिंग से बाय द एटम्स। तो अगर दो एटम्स, तो इक्वल शेयरिंग इसी कोवेलेंट बॉन्ड समटाइम्स ये पोलर होता है, समटाइम्स ये नॉन पोलर होता है। तो ये बॉन्ड्स पोलर कब होगा और नॉन पोलर कब होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे नॉन पोलर कब होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में समझेंगे। तो जब टू एटम्स, अगर इस तरह का हाइड्रोजन्स, ये एटम सेम है, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ दिस बॉन्ड फॉर्म किया है, ये नॉन पोलर है। दिस टू एटम्स आर शेयर बाय बोथ द एटम्स एंड दिस एटम्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर बाय बोथ द एटम्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन बिटवीन दिस टू एटम्स। ये जो एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेंट्रल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है बीच में, ना ये ज़्यादा इस साइड है ना ज़्यादा ये इस साइड है, ये बीच में ऑक्यूपाई कर रहा है। ये जो हाइड्रोजन्स है इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच नहीं रहा है, ना ये हाइड्रोजन्स इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। ये नॉन पोलर है, इसमें पोलराइजेशंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, ये बीच पोजिशन में ऑक्यूपाई किया हुआ है। सिमिलरली Cl2 में एक्चुअली इस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है शेयरिंग से, ये बीच में सेंट्रल पोजिशन है, ये जो है एक्चुअली ये जो सेंट्रल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है, सेंट्रल पोजिशन, एक्चुअली ये सेंट्रल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला भी सेंट्रल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है। हम एग्जांपल्स दे रहे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का, इसमें पोलराइजेशंस नहीं है, इसके बाद हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का भी एग्जांपल्स देंगे। और एक एग्जांपल है C2H6, इसमें क्या होता है, सब तरफ हाइड्रोजन्स है वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। एक्चुअली इसको हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसी ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स में शो कर रहे हैं, इसी दो बॉन्ड से ये बॉन्ड फॉर्म किया है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर बाय दिस टू एटम्स, ये मिडिल पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है, जिससे जिससे पता चलता है कि इसमें पोलराइजेशन नहीं है। तो ये कब होता है, मिडिल पोजिशन कब ऑक्यूपाई करेगा, जब दो सिमिलर एटम्स होगा और कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा होगा, ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ ये हाइड्रोजन्स ये हाइड्रोजन, सिमिलर एटम्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। एंड इस सच केसेस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई द मिडिल पोजिशन, ये मिडिल पोजिशन पर ऑक्यूपाई करता है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, मिडिल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे भी ये मिडिल पोजिशन लोन पेयर ऑक्यूपाई करता है, दो एटम्स आर सेम, क्लोरीन क्लोरीन है, कार्बन कार्बन, दो एटम्स आर सेम, इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है।
ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शो किए हैं, इसको हम लोग इस तरह भी शो कर सकते हैं, इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको भी क्लोरीन क्लोरीन को इस तरह लिख सकते हैं, मिस्टेक हो गया, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह जब टू सिमिलर एटम्स आर देयर अब फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड्स, देन द लोन पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर बाई बोथ द आइटम्स ऑक्यूपाई द मिडिल पोजिशंस, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का एग्जाम्पल देते हैं। जब इसमें क्या है कि दो आइटम्स सेम है, अगर दो आइटम्स सेम नहीं होता है तो सपोज दो आइटम्स सेम नहीं होता है, इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने समझ लिया, अब इसके बाद हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें क्या होता है कि अभी तक नॉन पोलर में क्या हुआ कि टू एटम्स आर सेम, तो द बॉन्ड्स फॉर्म आर द नॉन पोलर। अभी हम लोग प्यार पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि टू एटम्स आर, यहाँ पर देखो पोलर नॉन पोलर में क्या हुआ कि कार्बन कार्बन थे, एटम्स सेम थे, जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है बिटवीन टू एटम्स, देन टू एटम्स आर सेम, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स क्लोरीन क्लोरीन टू एटम्स आर सेम। बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स तब होगा जब बॉन्ड में पोलराइजेशन कब आएगा, जब टू एटम्स आर नॉट सेम। सपोज ए एंड बी, ए एंड बी टू एटम्स आर नॉट सेम, ये फॉर्म करेगा पोलर कोवेलेंट्स बॉन्ड। जब ए एंड ए हो या बी एंड बी हो तो इसमें क्या फॉर्म करेगा, ये नॉन पोलर, ये होगा नॉन पोलर, ये जो बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर होगा, लेकिन ये क्या होगा पोलर होगा। ए बी आइटम्स आर सेम नहीं है, अगर ए बी आइटम्स सेम नहीं है, एग्जांपल इसका हम देंगे, सपोज ये हो गया एक्स, ये कार्बन चेन है, इसमें ये एक्स हेलोजन है, हेलोजन्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से। अगर इस केस को कंसिडर करते हैं, इस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में ये भी द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म किया है, लेकिन ये हेलोजन्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ऐसे केस में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया गया है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म किया गया है कार्बन हेलोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया है, तो ये मिडिल पोजिशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल पोजिशन ऑक्यूपाई करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हेलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ इस तरह पुल कर लेगा, अपने तरफ पुल करेगा, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ इस तरह पुल कर लेगा। आज एरो को इस तरफ दिखाते हैं, एरो को इस तरफ दिखाने का मतलब, सपोज एरो इस तरह दिखाने मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में पुल हुआ, राइट साइड इलेक्ट्रॉन्स पुल हुआ राइट साइड में, अगर किसी भी इस तरह दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पुल हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने साइड पुल करेगा, तो एरो बीच में, हम बीच में एरो हेडेड दिखाते हैं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में दिखाते हैं, ये एरो बीच में एकदम मिडिल में, ये जो एरो दिया गया है, ये एरो दिया गया एकदम मिडिल में होता है, ठीक है, मिडिल में दिया गया ये एरो, ये तो इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इससे पता चलता है। इस केस में ये जो बॉन्ड्स होता है ये नॉन पोलर होता है, ये पोलर नहीं होता है, इसमें पोलराइजेशन आ जाता है, इसे पोलर होता है, ये बॉन्ड पोलर होता है, इसमें पोलराइजेशन आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर। अगर ऐसे केस में, अगर जनरल एग्जांपल से यहाँ से भी ले, अगर ए बी अगर जनरल एग्जांपल से समझें, सपोज पहला केस लेते हैं ए एंड बी, सपोज इसमें बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज़्यादा है ए से, तो इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की ओर शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर दूसरा केस लेते हैं ए और बी का, अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए की ओर इस तरह शिफ्ट कर जाएगा। तो इसी केस को हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल की तरह ले रहे हैं, हेलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड यहाँ पर शिफ्ट कर गया है। हम लोग इसी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस तरह SCHX, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में ये
इलेक्ट्रॉन इस तरफ राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह हम लोग दिखाते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो मिडिल पोजिशन में नहीं होगा, स्लाइटली राइट साइड होगा। इसको हम लोग इस तरह भी बता सकते हैं समझने के लिए। जो यहाँ पर एक्स है, एक्चुअली ये हमारा मिडिल पोजिशन है, यहाँ पर ये हमारा एक्चुअली मिडिल पोजिशन है, ये हम इस तरह दिखा रहे हैं समझने के लिए। एक्चुअली ये इस तरह कहीं पे ड्रॉ नहीं करना, ये सिर्फ मिडिल पोजिशन बता रहे हैं, यहाँ पर मिडिल पोजिशंस होगा तो इस पोजिशन में, मिडिल पोजिशन में इसको होना चाहिए, हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर इसको होना चाहिए, इस मिडिल पोजिशन में इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्ट होकर एक्स की ओर आ जाता है, एक्स मतलब हेलोजन की ओर स्लाइटली शिफ्ट होके ये इस तरफ आ जाता है, ये इस पोजिशन में यहाँ पे नहीं रहता है, ये इस तरफ आ जाता है, मिडिल पोजिशन के राइट ओर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम्स का ज़्यादा होता, कार्बन का ज़्यादा होता तो कार्बन की ओर आ जाता है, इसे यहाँ पे इस तरह हम लोग दिखाते हैं ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरह हम लोग समराइज कर सकते हैं पॉइंट को, हम लोग समराइज करेंगे ना हम लोग कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कब होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कब होगा। यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कब होता है, जब टू सिमिलर एटम्स होता है, टू सिमिलर एटम्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, वो नॉन पोलर होता है। इसमें टू सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा वो नॉन पोलर होगा, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर। और जब टू डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, टू डिसिमिलर एटम, टू डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। इस तरह हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स में, स्पेशली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स को समझने के लिए अब हम लोग समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में, लिटिल बिट इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम लोग इस इंडक्टिव इफेक्ट्स के बाद समझेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव समझेंगे क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स में सिमिलरली जो एप्लीकेशन पोलर और नॉन पोलर का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स में। सपोज कोई कार्बन चेन है, इस तरह कार्बन चेन है, यहाँ पे ये बॉन्ड, ये एटम्स जो है ये हैलोजन्स है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये जरूरी है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड्स है कोवेलेंट बॉन्ड शेयर किया गया है स्लाइटली अपने तरफ ये शिफ्ट कर लेगा, जो लोन पेयर मिडिल पोजिशन ऑक्यूपाई करने वाला था नॉन पोलर में, लेकिन ये पोलर हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर स्लाइटली अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग बॉन्ड में ये एरो दिखाते हैं, ये एरो इस तरह एरो दिखाते हैं, ये एरो दिखाने का ही मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मिडिल पोजिशन से स्लाइटली राइट साइड हैलोजन्स की ओर शिफ्ट कर गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह ये शिफ्ट दिखाते हैं और इस एरो हेडेड को दिखाते हैं, और यहाँ पे ये शिफ्ट किया है, इसमें डेल माइनस एक नेगेटिव इस तरह चार्ज देंगे हम लोग, इस तरह हम लोग यहाँ पे एक डेल माइनस, आइए डेल प्लस। ये डेल माइनस क्यों, यहाँ पे डेल माइनस क्यों, ये डेल माइनस इसलिए कि हेलोजन्स का इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ शिफ्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पर डेल माइनस देंगे और यहाँ पर डेल प्लस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स में हम लोग इस तरह पोलर नॉन पोलर में सिर्फ हम लोग एक बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स को लेकर चले थे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड्स को कंसीडर किए थे, लेकिन ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट्स में एक्चुअली क्या होता है, इसमें बताता है कि ये सिर्फ एक एटम तक सिमिलर नहीं होता है, सिर्फ ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ नहीं शिफ्ट करता है, एक्चुअली ये इस बॉन्ड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, इस बॉन्ड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, ज़्यादा इस पॉइंट को इन्फ्लुएंस करेगा, उससे कम इस पॉइंट को इन्फ्लुएंस करेगा, उससे कम इस पॉइंट को इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है, जो बॉन्ड फॉर्म किया है कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से हुआ है, वो स्लाइटली अपने तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इसलिए शिफ्ट करता है इधर, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर और इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्ट करेगा, तो इसमें भी डेल प्लस आएगा, इसमें भी डेल प्लस आएगा, इसमें भी डेल प्लस आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें डेल प्लस नहीं आता है, इसमें डेल प्लस नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, अभी हम धीरे धीरे बता रहे हैं। तो इसमें जो डेल प्लस आ रहा है, इसमें डेल प्लस आ रहा है, डेल प्लस आ रहा है, तीनों में इक्विवेलेंट चार्जेस, इसमें डेल प्लस इक्विवेलेंट चार्जेस नहीं आता है, इसमें जो डेल माइनस आ रहा है, इसमें डेल प्लस आ रहा है, इससे कम डेल प्लस आएगा, इसको सबसे ज़्यादा पोलराइज करेगा, इस बॉन्ड को सबसे ज़्यादा पोलराइज करेगा, इस बॉन्ड को उससे कम पोलराइज करेगा, इस बॉन्ड को उससे कम पोलराइज करेगा। तो इस तरह भी हम लोग दिखा सकते हैं कि डेल प्लस इसमें
तीन डेल प्लस, इस कार्बन में तीन डेल प्लस, मतलब ये डेल प्लस अमाउंट डेल प्लस ज़्यादा है टू डेल प्लस से, ये थ्री डेल प्लस से, ये इस तरह ज़्यादा दिखा रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा पोलराइज, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलराइज हो रहा है तो डेल प्लस ज़्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है, इससे इससे इस बॉन्ड से ये बॉन्ड कम पोलराइज हो रहा है तो इससे थोड़ा सा ये डेल प्लस से कम चार्ज डेवलप हो रहा है टू डेल प्लस, इसमें थ्री डेल प्लस चार्जेस डेवलप हो रहा है। और ये एरोहेड दिखाते हैं इस तरफ कि इस तरफ राइट साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट्स इस इफेक्ट को, इस तरह इलेक्ट्रॉन जो पोलराइज हो रहा है इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स कहते हैं। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट्स ओनली थ्री कार्बन एटम्स तक ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि इस हैलोजन के कारण, इस मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स के कारण कौन कौन सा कोवलेंट बॉन्ड्स पोलराइज होता है। तो ये पाया गया कि एक कार्बन, दो कार्बन, थ्री कार्बन, ओनली थ्री कार्बन एटम्स तक का जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वही पोलराइज होता है। इसमें वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, थ्री और फोर, ये फोर कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलराइज नहीं होता है, ओनली थ्री कार्बन तक। यहाँ पे इसका इफेक्ट जीरो आता है, यहाँ पे इसका इफेक्ट जीरो आएगा, कुछ भी नहीं आता है, ये बॉन्ड पोलराइज नहीं करता है, सिर्फ यहीं तक पोलराइज करता है। और इस तरह चार्जेस कम होते जाते हैं, यहाँ पे डेल प्लस, टू डेल प्लस, थ्री डेल प्लस दिखाया गया, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा गया है डेल वन प्लस, डेल टू प्लस, डेल प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, डेल थ्री प्लस, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, आइए लिखा गया है साइड में, यहाँ पे इसे लिख दिया गया है कि डेल वन प्लस ज़्यादा है, डेल टू प्लस से ज़्यादा है, डेल थ्री प्लस से ज़्यादा है, इस तरह लिख दिया गया, बात सेम है। आपको जो पसंद है डेल वन, डेल टू, डेल थ्री लिखने का, या तो डेल प्लस, टू डेल प्लस, थ्री डेल प्लस, वो लिख सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम लिख के बस समझा रहे हैं, इसको हमेशा हर बार नहीं लिखेंगे, बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि थ्री डेल प्लस इस तरह इसलिए दिया है क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि मतलब थ्री एटम्स तक इसका इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, थ्री इफेक्ट के बाद, थ्री कार्बन एटम्स के बाद, थ्री कार्बन एटम्स या थ्री एटम्स के बाद इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है, यहाँ पे जीरो होता है, इसलिए हम थ्री थ्री शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ कुछ एजम्पशंस है, मतलब एजम्पशंस नहीं है, टू कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि मान लीजिए जो इस तरह जो एरोहेड देते हैं ना, ये सिर्फ सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में आता है, अगर यहाँ पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड में ये एरोहेड नहीं आता। यहाँ पे एग्जांपल देके हम बताते हैं, सपोज यहाँ पाई बॉन्ड होता, यहाँ पाई बॉन्ड होता, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता, यहाँ पे इस तरह ये नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता, हैलोजन से इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे प्लस चार्ज ऑक्यूपाई करता, ये डेल वन मानते हैं, ये डेल टू, यहाँ पे डेल थ्री। तो यहाँ पे जो एरोहेड जब देते इसका नेगेटिव इफेक्ट शो करने के लिए, ये एरोहेड इस तरह देते, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड पे एरोहेड देते, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह सिग्मा बॉन्ड में एरोहेड देते हैं, यहाँ पे तो इफेक्ट्स का नेगलिजिबल है। तो इस तरह ये एरोहेड दिखाना हो तो इस तरह दिखाना, अगर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब दोनों पे, अगर पाई बॉन्ड है तो दोनों पे इस तरह ये गलत हो जाएगा, अगर दो पाई बॉन्ड है तो सिर्फ एक पे इस तरह एरोहेड दिखाना है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स इस तरह राइट साइड में इंडक्टिव इफेक्ट्स हो रहा है, इस तरह हम लोग समझ रहे हैं किस तरह ये हो रहा है। अब लोग और इसके बाद समझाते हैं कि यहाँ पे तो हैलोजन था इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इस तरह पुल कर लिया, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता कार्बन से तो ये बॉन्ड राइट साइड शिफ्ट होने लगता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लगता है इस तरफ। अभी क्या, अभी तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन अगर सपोज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाता तो ये इस साइड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने लगता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करने लगता। तो एक्चुअली ये जो केस हम डिस्कवर किया है इसको कह सकते हैं हम लोग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, अभी हम लोग इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को केस को भी कंसिडर करेंगे। अभी इसको हम लोग जनरलाइज भी इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अब इंडक्टिव इफेक्ट्स हम समझाना चाह रहे हैं किस तरह के इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स कहते हैं। हम यहाँ कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स बारे में, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट्स नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी ऑपरेट होता है वो सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड, जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड्स को इन्फ्लुएंस किया है, पाई बॉन्ड्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया, यहाँ पर हम बताए भी हैं।
और जो एरोहेड देते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स पे देते हैं, पाई बॉन्ड पे नहीं देते हैं। और इस तरह जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ये परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो, परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है, परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है या सिंपली स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी। यहाँ पर तो हम राइट साइड शिफ्ट दिखा है, राइट साइड शिफ्ट होगा, ये परमानेंटली शिफ्ट होगा और स्लाइटली शिफ्ट होगा। लेकिन ये अपने जो बैलेंसी पे बैलेंस सेल है, ये कार्बन का जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे शिफ्ट होकर इस हेलोजन पर नहीं आ जा रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। मतलब स्लाइटली अगर अगर टू टू कार्बन अगर ए एंड बी है, अगर ए का एक इलेक्ट्रॉन है बी का एक इलेक्ट्रॉन से ये मिडिल पोजिशन ऑक्यूपाई ना करके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ये इस तरह राइट साइड में आ जाता है, इस केस में ये पोलर में ये राइट साइड आ जाता है। लेकिन ये ए के बैलेंसी सेल से निकल के बी के बैलेंसी सेल में नहीं चला जाता है, बैलेंस अपना जो बैलेंस सेल होता है इलेक्ट्रॉन का उसको वो नहीं छोड़ता है, बस शिफ्ट होता है, मतलब स्लाइटली डिस्टेंस इंक्रीज करता है लेकिन ये बैलेंसी को नहीं छोड़ता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नहीं छोड़ता है, ये स्लाइटली शिफ्ट होता है लेकिन अपने ओरिजिनल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नहीं छोड़ता है। अब इसके बाद हम लोग ये भी एक कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं कि हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड्स पे ऑपरेट करता है, इंडक्टिव फोर्स हमेशा जो ऑपरेट करता है वो सिग्मा बॉन्ड्स पे ऑपरेट करता है, सिग्मा बॉन्ड्स को इन्फ्लुएंस करता है, पाई बॉन्ड्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। और इंडक्टिव फोर्स को हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव फोर्स को सम टाइम हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव को इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये हम जो जो बात बोल रहे हैं ना, ये आप लोग कुछ पॉइंट बना के अपनी कॉपी में जो नोट्स में, जब ये नोट्स बना रहे होंगे तो अपने कॉपी नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरे भी एक नोट्स है, बुक है, उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह ये सारा डिटेल जो हम कुछ बता रहे हैं सब कुछ हमारे लिखा हुआ है, अगर बुक्स को मेरे बुक्स को देखेंगे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हमसे यहाँ सिर्फ समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको। इंडक्टिव को हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट बोल सकते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट होता है ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर को इन्फ्लुएंस करता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर को इन्फ्लुएंस करता है और पाई बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऑपरेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल पे रहता है, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल पे रहता है, ऑर्बिटल इसका चेंज नहीं होता है, मतलब जो वैलेंस सेल में है वही वैलेंस सेल में रहेगा हमेशा, ऑर्बिटल उसको लीव नहीं करता है। और ये हमेशा इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा ऑब्जर्व होता है, परमानेंट इफेक्ट ये हमेशा ऑब्जर्व होगा, परमानेंट इफेक्ट मतलब हमेशा ऑब्जर्व होगा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर किसी कंपाउंड में हो रहा हो किसी कंपाउंड में नहीं हो रहा हो, ऐसा बात नहीं है, हमेशा परमानेंटली ये शिफ्ट राइट साइड होते रहता है। इसको हम दिखाएं या नहीं दिखाएं, कहीं पर कोई कंपाउंड लिखे वहाँ पर इससे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएं या नहीं दिखाएं उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ऑब्जर्व होता है, ये टेम्प्रोरी नहीं होता, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स कहीं भी किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, पाई बॉन्ड हो या ना हो सिग्मा बॉन्ड तो डेफिनेटली होगा, और सिग्मा बॉन्ड्स का जरूर ये इन्फ्लुएंस करेगा, ये हमेशा परमानेंटली होते रहता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स को लीव नहीं करता है, चार्जेस हमेशा डिक्रीज करता है, और 3 एटम्स तक ही इसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है, ओनली 3 एटम्स तक उसका इफेक्ट खाली ऑब्जर्व किया गया, 3 एटम्स के बाद इसका इफेक्ट निगलिजिबल होता है, आफ्टर 3 एटम्स इफेक्ट निगलिजिबल, आफ्टर थ्री एटम्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। इस तरह कुछ पॉइंट्स हम लोग बना बना के हम बता रहे हैं शॉर्टकट में कि समझें, इस तरह एरोहेड देना है तो एरोहेड तो समझ गए, राइट साइड में इस तरह एरोहेड देना रहता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट हो गया, अब हम लोग एक इंडक्टिव इफेक्ट्स का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन टू एटम, टू एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम कंपेयर टू अनदर एटम, देन देर इज अ पोलैरिटी, देन देर इज अ पोलैरिटी इज डेवलप एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट्स। मतलब कुछ भी, मतलब मेन कि पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है, पोलैरिटी आ जाता है बॉन्ड में, उसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स कहते हैं। मेरे बुक्स में भी लिखा हुआ है। अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स का बेसिक समझ गए, अब इसके बाद हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे डिटेल से। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स का दो टाइप होता है, इंडक्टिव का क्लासिफिकेशन दो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, शॉर्टकट में इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। इस तरह भी हम लोग इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हैं, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। इस तरह हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। पहले हम लोग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स लगा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, स्लाइटली अपने तरफ डेल माइनस चार्ज डेवलप करेगा। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स मतलब, पॉजिटिव मतलब ये पुश करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था अपनी ओर खींच रहा था, आइए अपनी ओर ना खींच के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा अपने से दूर। यहाँ अगर ग्रुप यहाँ पर लगा है तो ये अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अगर ग्रुप लगा है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुश करेगा, मतलब अपने तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर कोई भी कहीं पर किसी भी चेन में अगर ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये नेगेटिव इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुश करेगा, ऐसे केस में अगर कोई चेन में ये ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश करेगा। ये हमेशा ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिच होता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, स्टेबलाइज होने का कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ हमको डिटेल बताएंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सब कुछ हम बताएंगे। पहले हम लोग एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को पहले पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल समझते हैं कि कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन चेन है, उस हेलोजन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हेलोजन्स लगा हुआ है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कार्बन से ज़्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर इस तरह करेगा, पुल करेगा, इसमें डेल माइनस, इसमें डेल प्लस, इसमें डेल प्लस, इसमें भी डेल प्लस, इसमें वन टू थ्री, थ्री एटम्स तक अपना इन्फ्लुएंस ये शो करेगा, थ्री कार्बन एटम्स तक के बीच में ये इन्फ्लुएंस शो करेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा हुआ इसलिए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया। तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ये बात तो सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा इसका तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर लेगा, ये बात सही है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण ये अपने तरफ पुल कर लेता है, ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है, इसका एक रीज़न और भी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या इफिशियंसी के कारण इलेक्ट्रॉन पुश या पुल होता है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास, इलेक्ट्रॉन कम है यानी कोई भी एटम्स वो चाहता है कि न्यूट्रल स्टेट में रहे, स्टेबल स्टेट में रहे, कोई भी एटम्स, एनी एटम्स का डिमांड क्या होता है, कोई भी एनी एटम्स वांट टू बी स्टेबल, कोई भी एटम्स स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल कब होता है, जब कोई एटम्स न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उसके पास ना ही इलेक्ट्रॉन्स कम है ना ही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन है, किसी कोई भी एटम्स
के पास जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना इलेक्ट्रॉन है, वैसे कंडीशन में वो एटम्स न्यूट्रल होता है। अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी एटम के पास, तो वो अनस्टेबल होता है, यानी हमेशा एक मिडिल पाथ ऑक्यूपाई करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जितना रिक्वायरमेंट है उतनी वो रखना चाहता है। लेकिन सपोज इस केस में अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, यहाँ पे ये रीजन है कि ये एक्स मतलब हेलोजन, एक्स को हम लोग हेलोजन्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये हेलोजन्स है। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा इसलिए पुल कर रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन क्या होता है कि सपोज कोई ग्रुप लगा हो, यहाँ पर चेन है, ये दो रीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स तब शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल तब करेगा। पहला तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसका कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, या तो दूसरा रीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन लेस है। इस एटम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, उससे इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम है यानी इसी अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होना चाहिएगा, तो स्टेबल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। अगर इलेक्ट्रॉन किसी तरह इसके पास अगर आ जाए, किधर से भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अगर आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जितना इसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ये कोई भी एटम्स लगा हुआ रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसका जो डिफिशेंसी है वो इफिशेंसी में बदल जाएगा, मतलब उसके पास जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना आ जाएगा, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स कब ऑब्जर्व किया जा सकता है, दो केसेस है। पहला तो उसके एटम्स का जो भी लगा हो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो तब ये हो सकता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी है तब उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। और इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, सपोज यहाँ पर दो तीन एटम्स लगा हुआ, पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह कोई हेलोजन्स लगा हो, तो वैसे केस में, या तो कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ग्रुप लगा हो, तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या इफिशियंसी का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से टू कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पर बताना है कि किसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है इस कार्बन से, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है इस कार्बन से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इफिशियंसी का कोई भी डिस्कस करने का कोई जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इफिशियंसी है, सिंगल एटम्स है, इसमें कोई चार्ज है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस कब होगा, अगर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा तो उसके ऊपर चार्ज आता है, प्लस चार्ज, वन चार्ज, टू चार्ज, ए प्लस टू, इस तरह का कुछ चार्ज आता है। लेकिन अगर इस तरह का चार्ज आता है तो यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, वो अपने तरफ पुल करेगा, ठीक है, अपने तरफ पुल करेगा। अगर यहाँ पे ये जी के प्लेस में जी प्लस ऐसा कोई ग्रुप आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा, वो डेफिनेटली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स शो करेगा। लेकिन इन केस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, उस केस में जी माइनस हो जाएगा, जी माइनस हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम होगा या तो वो जी माइनस हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अभी लोग छोड़ते हैं, अभी जी प्लस पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कैसे होता है, उस पर प्लस चार्ज आता है, ऐसा कोई ग्रुप या आइटम्स हो जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। लेकिन यहाँ प्लस चार्ज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यूज होगा, इस एग्जाम्पल्स में कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये हमेशा अपने तरफ पुल करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिस कार्बन से ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिस कार्बन से ज़्यादा है, फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिस कार्बन से ज़्यादा है, तो अपने तरफ ये पुल कर लिया। लेकिन यहाँ पर बताना है कंपेयर दिस टू कंपाउंड एंड विच कंपाउंड इज हायर इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरिन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ऐसे केस में इसका माइनस आई इफेक्ट और इसका माइनस आई इफेक्ट कंसिडर किया जाए, तो इसका माइनस आई इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा इस क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से। तो पहला का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है दूसरे के इंडक्टिव इफेक्ट से। अभी यहाँ पर दूसरा कंपाउंड, दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। फ्लोरीन लगा हुआ है, एक कार्बन चेन है, यहाँ पे
NH3 प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना चाहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन उसका हाइयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करना चाहेगा। लेकिन ये अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पर कंपेयर करना है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से, अगर यहाँ पे डायरेक्टली नाइट्रोजन है, यहाँ पे डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, अगर इसका मतलब उसको अच्छे से इसका ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन्स पे है, यहाँ पर दिस कार्बन से ये फ्लोरिन डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ दिस कार्बन से नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरिन का होता है, फ्लोरिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरिन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एटम्स लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो जो चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया है, जब इस चार्जेस मालिकूल जो जिस मालिकूल उसमें चार्ज आ जाता है वो भी काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, और वो बहुत ही जल्दी ट्राई टू गेन स्टेबल, वो बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहता है। तो ऐसे केस में इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है तो ये काफ़ी अनस्टेबल है इस केस से, क्योंकि इसमें चार्जेस आ गया तो वो अनस्टेबल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो काफ़ी अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब बहुत जल्दी वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बहुत जल्दी से, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा इस कंपेयर टू दिस फ्लोरिन। तो दिस ग्रुप का, तो हम लोग इस ग्रुप का अगर देखें, दिस ग्रुप का NH3 का यहाँ पर ये बोल सकते हैं, दिस ग्रुप का इंडक्टिव फेस काफ़ी ज़्यादा होगा इस फ्लोरिन से, इस ग्रुप का इसका इंडक्टिव फेस काफ़ी ज़्यादा होगा इस फ्लोरिन से। तो कैसे केस में सेकेंड का फर्स्ट से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ये सेकेंड है ये फर्स्ट है, तो सेकेंड का इंडक्टिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केस को हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा एटम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके उस पर डिसाइड नहीं करते इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट जब कंपेयर करना हो तो हम लोग ये सारा चीज़ कंसिडर करते हैं, चार्जेस भी कंसिडर करते हैं और भी चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज कोई तीसरा एग्जाम्पल्स है, हम लोग कोई तीसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, CHO लगा हुआ है, CHO मतलब अल्डिहाइड, ये क्या हो गया सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड, इसमें कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये ग्रुप ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है या ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट शो करना है यानी हम लोग कंपेयर करना है किस में। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, सिर्फ एक कार्बन एटम्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा ये स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर इस तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अगर पूरा लिखना हो तो पूरा लिख दीजिए, कुछ ज़रूरी नहीं है लिखना, इस तरह स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से, इस तरह रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, इस पर डेल माइनस आ जाएगा, इसमें डेल प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, इस तरह ये डेल माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डेल प्लस आ जाएगा, जिस कार्बन पे डेल प्लस आ गया इसमें डेल माइनस आ गया, ठीक है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना चाहेगा, इसमें डेल माइनस डेल प्लस चार्ज आ जाएगा, अगर पुल भी कर भी लिया अगर इसमें इस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये पुल कर भी लिया तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस से जा रहा है, इसमें कार्बन है तो यानी इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ पुल करेगा, यहाँ प्लस से जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा पुल करेगा, यहाँ जो एटम्स ये ग्रुप लगा हुआ है इसमें दोनों ग्रुप्स में कौन सबसे ज़्यादा पुल करेगा, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख रही है प्लस चार्ज दोनों सेम है, लेकिन हमको और भी इफेक्ट ऑब्जर्व करना है जिसमें इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, अगर जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा वही कार्बन ज़्यादा पुल करेगा, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है या इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफिशियंसी है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर जब प्लस चार्ज आया यहाँ पर एच है, ये लोन पेयर ऐसा कुछ डोनेट नहीं करेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, इस तरह ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर ये तुरंत से इधर से ये डोनेट कर देगा, ये जब डोनेट कर देगा तो यहाँ पर इस तरह ये एक कंपाउंड इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं,
यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ पे वेनिस हो गया, यहाँ प्लस चार्ज वेनिस हो गया, तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो रहा है, क्योंकि इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी अपने तरफ से पुश कर रहा है, ये जो लोन पेयर है ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है, राइट साइड ये पुश कर रहा है, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम नहीं हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो था लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो गया, जिसके कारण ये तो पुल कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड ये बहुत ही कम लेस पुल कर रहा है, तो इसके कारण इसका इंडक्टिव इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट्स से यानी ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा दिस कार्बोक्सिलिक एसिड के इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हमारा जो अगर इंडक्टिव इफेक्ट्स किसका होगा, पहला का ज़्यादा होगा दूसरे से, ऐसे से हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ कुछ इंडक्टिव इफेक्ट समझने लगे हैं कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है तो अपने अंदर पुल करता है, अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स का कुछ ऑर्डर लगा, ऑर्डर हम बनाए हुए हैं कि अगर ये सब ग्रुप हुआ तो इंडक्टिव इफेक्ट्स का ज़्यादा होगा, किसी कंपाउंड्स में सपोज ये दो दो ग्रुप दिया हुआ है, SR2NH3 दिया हुआ है, या तो CH2+ दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है, तो ऐसे केस में अगर दो कंपाउंड्स में एक कंपाउंड सपोज ये ग्रुप है और एक कंपाउंड सपोज ये ग्रुप है, तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसे केस में CH2+ ग्रुप जिसमें लगा हुआ उसका इंडक्टिव इफेक्ट्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NO2 ग्रुप से, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स और अगर कहीं से कंपाउंड में इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ, एक तरह फ्लोरिन लगा हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा फ्लोरिन से, अगर किसी कंपाउंड्स में आयोडीन लगा हुआ है, OR OH लगा हुआ, अगर तीन तीन कंपाउंड्स दिए हैं, तीन कंपाउंड्स में ये तीन ग्रुप लगा हुआ है आयोडीन OR OH, तो ऐसे केस में आयोडीन जिसमें लगा हुआ उसका नेगेटिव इंडक्टिव ज़्यादा होगा OR से और OH से, तो इस तरह के सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ग्रुप एटम्स लिख दिए हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमको याद करना है, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कुछ सोच नहीं सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक है एकदम, मतलब अगर आप एक साल में अगर चार एग्जाम अगर देते हैं IIT JEE मेन या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, किसी न किसी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके उस करियर में एक क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ने एग्जाम में आपको जरूर आएगा, जिसमें इस ऑर्डर का एप्लीकेशन होगा, तो इस ऑर्डर को आप पेपर में लिख के अपने पॉकेट में रखें हमेशा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको याद भी नहीं हो पाता है, पूरा एक साल बीत जाता है, दो साल बीत जाता है, लेकिन ये ऑर्डर याद नहीं रहता, ये हमसे सारे जितने एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स जितने भी यूज होते हैं जनरली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सारे को कलेक्ट करके हम ये ऑर्डर बनाए हुए हैं, ये ऑर्डर बहुत ही नेसेसरी है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है ना बहुत जगह पर, ये ऑर्डर गलत दिया हुआ है किसी किसी बुक्स में, किसी कितनी बुक्स में ऐसे OP टंडन या किसी कितने बुक्स में, ये ऑर्डर यहाँ पे कुछ गलत है, बहुत सारे मतलब ये जो ऑर्डर है ना बहुत वेरीफाई करके बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्डर्स को हम लिखे हुए, ये ऑर्डर आपको शायद ही इस तरह कहीं पर ऑर्डर मिला हो, इतने सारे आइटम्स कलेक्शंस मिले हो, तो इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए ये ऑर्डर को, अब कुछ कुछ याद करने का हम आइडिया भी इसको बताते हैं, इस पर हम चार पांच एग्जांपल्स भी कराएंगे, जिससे आपको ये ऑर्डर याद करने पे काफ़ी आसानी हो जाएगा, इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑर्डर काफ़ी आसानी हो जाएगा याद करने में, तो कुछ कुछ इसमें दिक्कत है, मतलब कोई भी क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है, एजम्पशंस रीजन जो क्वेश्चन होता है, एजम्पशंस रीजन का क्वेश्चन होता है IIT JEE में एडवांस में, इसमें अगर अभी हम क्वेश्चन एक बताएं ना उसमें जो स्टूडेंट किसी और टीचर से पढ़े हुए हैं वो भी गलत कर दे, यहाँ तो इसमें टीचर भी गलत हो जाते हैं, अगर इसमें क्वेश्चंस निकाल कर दे दिया जाए आपको लगा रहा है यार ऑर्डर बहुत ईजी है आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो इस ऑर्डर पर आप फंस जाइएगा, तो जितना ही पॉसिबल तरीका से क्वेश्चन आ सकता है इस ऑर्डर के बेसिस पे वो आपको समझा रहा है, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जो बहुत सारे टीचर्स को ही पता नहीं है कि OR का और OH का, OR का इंडक्टिव इफेक्ट OH से ज़्यादा क्यों होता है, NF3 NR3 NH3 ये सपोज तीन ग्रुप है, पहला पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं, पहला कंपेयर द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, देखो कंपेयर -I इफेक्ट, मतलब किस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा किस कंपाउंड्स में, कंपेयर का बताना है, पहला दूसरा तीसरा इस तरह करके, सपोज एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड है इसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ये ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप हो सकता है NF3+, ये ग्रुप हो सकता है NR3+, ये ग्रुप सकता है NH3+, तो ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं, तीन एग्जांपल्स हैं, ठीक है
अब इस एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा डिटेल्स में लिखते हैं, इस तरह एग्जाम में आएंगे तो इस तरह फॉर्मेट में, इसलिए इसके फॉर्मेट में लिख दिए, लेकिन इस फॉर्मेट को आप और डिटेल में लिख सकते हैं, NF3 प्लस NR3 प्लस प्लस इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, मतलब 3 कंपाउंड दिए हुए हैं यहाँ पे, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। हमको बताना है कि पहला दूसरा तीसरा में से किसका इंडक्टिव फेस सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ऑर्डर बताना है किसका ज़्यादा होगा। ऐसे तो ऑर्डर यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर आंसर में यहाँ पे इस मॉडल लिखे हुए हैं, NF3 का नेगेटिव इंडक्टिव फेस ज़्यादा होता है NR3 से, NR3 का इंडक्टिव फेस NH3 से ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों ज़्यादा होता है, यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन किसी टीचर से पूछे ना, अगर आप 10 टीचर से पूछेंगे ना, तो एकदम डेफिनेटली 9 टीचर आपको गलत बताएंगे। 9 टीचर, किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट का बेस्ट टीचर भी आपको ना सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर कोई टीचर बता भी दिया एक दो टीचर, तो आपको वो पक्का वो मतलब सही आंसर रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन पक्का गलत रहेगा। और इसमें अगर क्वेश्चन आते, IIT में क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली 90% स्टूडेंट का आंसर गलत होगा, क्योंकि अभी हम बताते हैं कि इस तरह गलत होगा क्या होगा। इसमें बहुत ही फंडामेंटल लॉजिक है, ये इस तरह जो बात आपको बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ मतलब इस तरह हम बोल नहीं रहे, मतलब ये हम ट्राई किए बहुत सारे स्टूडेंट पर, बहुत सारे टीचर्स से भी, तो टीचर मतलब कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मतलब क्या हो क्या नहीं, मतलब आंसर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई यही आंसर होगा, मतलब यही एक्सप्लेनेशन होगा, वो टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको ये बात समझना है, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है कि NF3 लगाओ, NR3 लगाओ। सपोज इस तरह का एग्जाम्पल्स आता है जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, तो हाँ पहले स्ट्रक्चर्स को अच्छे से ड्रॉ करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का कोशिश करें। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। और इस कंपाउंड का ड्रॉ करेंगे, एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, NH H H प्लस चार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ, फ्लोरीन लगा हुआ, फ्लोरीन लगा हुआ, यहाँ पर आर आर लगा हुआ, एच एच लगा हुआ। आर मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, आर के प्लेस पे आप मिथा ए आर, यहाँ पे आप यहाँ पे आर कुछ भी ले सकते हैं, CH3 ले लीजिए या C2H5 ले लीजिए, कुछ भी, मतलब ATC मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल थाइल प्रोपाइल ऐसे, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी आप ले सकते हैं। आर मतलब अल्काइल ग्रुप जनरल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ, मतलब हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और इथाइल मिथाइल नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ फ्लोरिन लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरिन लगा हुआ है, तीनों में नाइट्रोजन है, प्लस चार्ज है। आइए फ्लोरिन प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, दिस फ्लोरिन ये प्लस, दिस फ्लोरिन माइनस आई इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये फ्लोरिन दिस नाइट्रोजन और फ्लोरिन में कंपेयर किया जाए, तो इस फ्लोरिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा। नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, जितना इसको चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके कारण ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन इसको इस इलेक्ट्रॉन मिलने के जगह पर और इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है, मतलब जो बचा खुचा था वो भी जा रहा है, फ्लोरिन उससे वो भी खींच रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो और बच्चा खुचा खींच रहा है, जिससे क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और इंक्रीज़ कर गया, इसका जो पॉजिटिव चार्ज जितना था और भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्या कि फ्लोरिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये और ज़्यादा खींच ले रहा है, और तीन तीन खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, मतलब तीन तीन खींच रहा है। तो जो प्लस चार्ज जो था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, इलेक्ट्रॉन तो जो बचा कुछ जो कम इलेक्ट्रॉन था और भी खींच कर उसको कम कर दिया, एंड इसका पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज़ कर रहा है, दिस फ्लोरिन, तीन फ्लोरिन के कारण। ये फ्लोरिन डेफिनेटली माइनस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन्स लगा हुआ है, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी है, जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट आपको ये पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये बता रही है प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, अपने तरफ ये पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ये पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो प्लस चार्ज है थोड़ा सा कम हो रहा होगा, प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो रहा होगा,
और ये हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन्स को हम लोग रेफरेंस एलिमेंट की तरह यूज करते हैं। हाइड्रोजन्स को हम लोग रेफरेंस एलिमेंट, ना ये पुश करता है ना ही पुल करता है। फॉर इंडक्टिव इफेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट्स में एक एजम्पन्स है कि हाइड्रोजन से जो लगा हुआ रहता है कहीं भी, उसको हम लोग एज ए रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं, ना ही वो पुश करता है ना ही पुल करता है। तो ना ही यहाँ पर पुश कर रहा है ना ही पुल कर रहा है, ठीक है, ना ही पुश या पुल इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं कर रहा है, यानी जो पजल प्लस चार्ज है प्लस चार्ज यहाँ पे वैसे ही का वैसे ही है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पे देख सकते हैं कि प्लस चार्ज जिस अल्काइल के कारण ये प्लस आई इफेक्ट्स हो कर रहा है, जिस अल्का प्लस आई इफेक्ट्स हो कर रहा है, जिसके कारण ये प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो रहा है। यहाँ पे प्लस चार्ज हम आप लोगों को लग रहा होगा कि प्लस चार्ज या तो थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा कि प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा सब कुछ हम लोग को ऐसा लग रहा है। मतलब ये नॉर्मल व्यू पे देखने पर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, या तो प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा, अगर नहीं प्लस चार्ज इसका बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा डिफिशियंट हो गया, इसके कारण इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बहुत ज़्यादा हो गया, इसके कारण प्लस चार्ज बढ़ गया। तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इसके लिए माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना पड़ेगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना पड़ेगा। ऐसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, हमको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं फ्लोरीन का, यहाँ पे अच्छे से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.9, शायद 3.98, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 होता है। और नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.04, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन होगा, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी होगा, डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, कार्बन का होता है 2.55। और नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लिख दिए, फिर हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कितना होगा, हाइड्रोजन का शायद होता है 2.20, हाँ हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.20, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, 3.98 है, इसका 3.04 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, जो पॉजिटिव चार्ज का पता चल रहा है नाइट्रोजन पे, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ जाएगा, जिस कारण ये इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी है, कार्बन ही अटैच होगा डायरेक्टली, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है, नाइट्रोजन का 3.04 होता है और कार्बन का 2.55 होता है, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये अपने तरफ पुल करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको वो नाइट्रोजन अपने तरफ पुल करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन्स को ये रेफरेंस एलिमेंट, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जीरो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कंसिडर करना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, मतलब इस जगह पर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो ये इंडायरेक्टली यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडायरेक्टली यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 होता है, 2.20, और नाइट्रोजन का क्या होता है 3.04, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, यानी पुल किया इधर, पुल किया इलेक्ट्रॉन को। तो इस दोनों केस में पुल कर रहा है, इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर साइड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस केस में इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, लेकिन इस दो केस में इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो इसका था वो कम होगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगा इस दोनों केस से, मतलब इसका तो डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर अपर साइड जा रहा है, इसका अपर साइड जा रहा है, आई इसका डाउन साइड जा रहा है, इसका डाउन साइड जा रहा है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका दोनों का माइनस आई इफेक्ट इससे तो पक्का कम होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट पक्का ज़्यादा होगा इन दोनों से। तो इससे पता चल गया कि इसका तो डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा है, इसका डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा है। अब इस दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है, इस दोनों में कंपेयर करना है, यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा, डेल ई कितना आएगा, नाइट्रोजन्स का आता है 3.04, और कार्बन का आता है 2.55। अगर इसका हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 9.4, हाँ 0.94, यहाँ पर 0.94 आता है, ठीक है, यहाँ पर जो डेली आता है ये 0.94 आता है, और यहाँ पर डेली कितना आएगा, डेली इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना आएगा,
नाइट्रोजन्स का आता है 3.04, माइनस हाइड्रोजन्स का आता है 2.20, तो यहाँ पर कितना आएगा 4.8.84। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन दिस टू एटम्स बहुत ही ज़्यादा है, 0.84 है, और यहाँ पर कितना आता है 0.9 है, 0.49, यहाँ पे 0.49 आता है, यहाँ पे 0.49 है, और यहाँ पे कितना आता है 0.84। तो यानी ये नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का पुलिंग उतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा, इधर इधर ही पुल करेगा, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कारण से तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ भी पुल करेगा, लेकिन इस केस में ज़्यादा पुल करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा पुल किया, यानी जो प्लस चार्ज जो नाइट्रोजन पर आ रहा है वो प्लस चार्ज कम होगा, यहाँ भी कम होगा, लेकिन इस केस में ज़्यादा कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है अपने तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी पुल कर रहा है लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है इसलिए कम पुल करेगा। तो ऐसे केस में यहाँ प्लस चार्ज जो था वो कम हो गया, यहाँ पर भी प्लस चार्ज कम हुआ है लेकिन इसका प्लस चार्ज ज़्यादा कम हुआ है इससे, इस नाइट्रोजन का प्लस चार्ज ज़्यादा कम हुआ है इस नाइट्रोजन का प्लस चार्ज से। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर प्लस चार्ज कम हो गया यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण जो इधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था नाइट्रोजन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहा था, इधर ही पुल हो रहा था और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण इधर ही पुल कर रहा था, लेकिन इसका पुलिंग कम हो गया इससे, क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन पुल करके जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था वो कम कर लिया, मतलब इसको अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था तो इलेक्ट्रॉन पुल करके अभी इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था नाइट्रोजन के पास, मतलब एग्जांपल से बता रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट अगर सपोज होता तो इलेक्ट्रॉन पुल किया तो इसको अगर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 5 ही मतलब 7 10 में से 7 में आ गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, कि 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन पुल करके 5 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 7-5 अगर कन्फ्यूजन होता हो तो मतलब यहाँ भी पुलिंग किया और यहाँ भी पुलिंग किया, लेकिन ये ज़्यादा पुल किया इसके कारण इसका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज जो कम हुआ इसका भी प्लस चार्ज कम हुआ, लेकिन इसका प्लस चार्ज ज़्यादा कम हो गया। अगर प्लस चार्ज कम होता है यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को कम अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हुआ है लेकिन इससे कम नहीं हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम पुल करेगा एज कम्पेयर टू दिस, इसकी वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट्स कम हो जाता है और इसका इंडक्टिव इफेक्ट्स ज़्यादा होता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके समझेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यहाँ प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.49 आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 4.84 आया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसका कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होता नहीं कम इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका कम हो गया, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कम होता है लेकिन उतना कम नहीं होता है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस यहाँ पर कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो जो प्लस चार्ज था वो थोड़ा सा कम हुआ, ज़्यादा कम नहीं हुआ, यहाँ प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा कम हो गया, प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा कम हो गया इसके कारण इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है इससे। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट ना, हमारा पहला आंसर क्या होगा, पहला का सेकंड का एंड थर्ड, यानी एन एफ थ्री प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा माइनस एन आर थ्री से, ऐसे एन एच थ्री से इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। एग्जाम में आपको कैसे फंसा सकते हैं, आपको एग्जाम में एक पता क्या देंगे, इस तरह एक्चुअली ये करेक्ट आंसर है, ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है, एग्जाम में किस तरह देंगे माइनस एफ थ्री सेशन में दे देंगे माइनस एन एफ थ्री प्लस एन एच थ्री प्लस एन आर थ्री प्लस, अब बोलेंगे इसका माइनस आई इफेक्ट इस तरह ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पर आर है अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा जिसके कारण प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चंस में आएगा। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन्स है, इसमें प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं लग रहा है, इसका जीरो है जिसके कारण इसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, इससे माइनस आई इफेक्ट इसका लगेगा जिसके कारण इसका प्लस चार्ज और इंक्रीज कर जाएगा जिससे इसका माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा एग्जाम में देंगे कि आपको लगेगा उसके बाद कि यार टीचर ने तो गलत पढ़ा दिया, अल्काइल ग्रुप लग रहा था
तो ऐसे केस में आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह एग्जाम में देंगे, असल में देखेंगे मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में ये रहेगा और सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि हम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है अल्काइल के कारण, प्लस चार्ज के कारण प्लस चार्ज कम हो जा रहा है, और प्लस चार्ज कम होगा तो माइनस आई इफेक्ट इसका कम हो जाएगा, इसलिए ये ऑर्डर देंगे। आपको लगेगा यार फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, जिसके कारण आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टीचर्स यही कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ऑर्डर नहीं समझ पाते हैं क्यों ऐसा होता है। तो आपको बहुत सारे टीचर्स क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर याद कर लो, कहीं पर रहेगा क्वेश्चन आएगा तो ऑर्डर आपको चेक करने में आसानी होगा, याद कर लो। लेकिन जब असर्शन रीजन में आपको देंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 2 इस तरह दे देंगे और आपको रीजन वीजन पूछ देंगे, आप गड़बड़ा जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला ये चीज़ समझा दिए। अब आपको NO2 इससे भी सेम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, ये दोनों भी सेम है, आपको ये समझा दिए, ये वाला समझा दिए, और आपको इसको समझाएंगे आयोडीन, ये ORH, ORH बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ORH पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इधर भी 3 एग्जांपल्स में कराएंगे, जिससे आपका पूरा इसमें जो भी क्वेश्चन आया ना एकदम 100% मतलब आ गया, मतलब क्वेश्चन मार्क्स पक्का सिक्योर हो जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। और इसमें दिक्कत पता क्या है कि हल्का सा आदमी पढ़ जाता है तो ऑर्डर याद करके जाता है तो पक्का वो आंसर मार्क के आता है, और आंसर मार्क आता है मतलब नेगेटिव में उसका मार्किंग जाएगा पक्का, मतलब ये है पढ़ने पे उसका मार्किंग और कम हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट उसको पढ़ाना हो माइनस साइड इफेक्ट को तो वो अच्छा है कि वो क्वेश्चन छोड़ गएगा, अगर छोड़ गया तो मतलब माइनस मार्किंग तो नहीं गया, लेकिन इसको पढ़ के भी जाएगा, माइनस साइड इफेक्ट को पढ़ के भी जाएगा और नेगेटिव भी करके आएगा, मतलब पढ़ा मेहनत भी किया और नेगेटिव भी किया, मतलब उल्टा हो रहा है सर इसका। इसलिए कोशिश पढ़ो, इसलिए बोला जाता है कि जितना पढ़ो लेकिन इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर आ गया तो पूरा सही से करके आए। इसी तरह ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको कोई भी टीचर कैसे भी यूट्यूब वीडियो कहीं भी सर्च कर ले, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, एक्चुअली हमारा आंसर ये वाला है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है, ठीक है। NF3 ये रीजन होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल्स बताते हैं कि OR और OH में ये पहला कंपाउंड है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कहीं पे कंपाउंड लगा हुआ है, सपोज इस तरह कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब इस तरह कंपाउंड दिया हुआ है, हल्का सा मिस्टेक हो गया। हाँ किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा इसमें से, इस दो ग्रुप में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये दोनों ग्रुप में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसे एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं कि इसका माइनस एग्जाम में क्या दिया हुआ था, एग्जाम में आपको किस तरह दिया होगा, स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ रहेगा कि माइनस OH का माइनस आई इफेक्ट, OH का OR से ज़्यादा है, ये पहला स्टेटमेंट रहेगा आपका, स्टेटमेंट पहला। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा रहेगा कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में इथाइल थाइल प्रोपाइल, जिसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण है इसका जो इलेक्ट्रिक घिसने का जो टेंडेंसी था वो कम हो गया, टेंडेंसी कम हो गया नहीं माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, हाइड्रोन्स लगा हुआ है, हाइड्रोन्स के कारण कुछ भी प्लस आई नहीं लग रहा है, माइनस आई नहीं लग रहा, जिसके कारण जो जो इसका प्रॉपर्टीज था खींचने का जितना था वो बरकरार रहेगा और उतना ही खींचेगा, ऐसे मतलब देंगे रीजन में, एसेशन रीजन में देंगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, हाँ यार एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्वेश्चन स्टेटमेंट भी सही है, सब सही है। तो लेकिन इस तरह नहीं होता है, एक्चुअली होगा क्या आपको हम बताते हैं, होगा क्या ओ आर का, यहाँ पे आपको ऐसा लग भी रहा होगा यार ओ आर का तो प्लस इफेक्ट लगेगा, जिसके कारण इसका टेंडेंसी जो घींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स, जो यार इधर घींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स वो तो कम हो जाएगा, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन घींच रहा था ओ आर वो तो कम हो जाएगा सल्काइल के कारण, यहाँ तो हाइड्रोजन से कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो ऊपर वाले क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन किए हैं उसका सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है। होता क्या चीज़ है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको चेक करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस आई पे माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। हमको इस ग्रुप के बारे में पूछा गया है, इस ग्रुप के बारे में पूछा गया, ओ आर ओ एच के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस जगह पे किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ओ आर का भी ये तो राइट साइड होगा लेकिन किसका ज़्यादा है, इस ओ आर में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, ओ आर ओ एच में किसका, ये पूरे ग्रुप में, सिर्फ ओ में नहीं पूछा है, इस पूरे ग्रुप में पूछा है
इस पूरे ग्रुप के लगने के कारण यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे जो इस जगह पे जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, किसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इस जगह पे लग रहा है, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, इस ओ आर के कारण या ओ एच के कारण, किसका माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को समझना पड़ता है, इस जगह पर पूछ रहा है। तो इस ओ आर लगा है, यहाँ पर ओ एच लगा है, ठीक है। और जानते हैं कि ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर आर लगा हुआ, आर मतलब एनी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी। तो यहाँ पे ओ क्या आ गया, ओ एन सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ एन एच है, ठीक है। यहाँ पे ओ एन एच है, यहाँ पे ओ एन सी है, ठीक है। क्वेश्चंस को देख रहे हैं, यहाँ पे ओ एन सी है, यहाँ पे ओ एन एच है। तो ओ एंड सी, ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है कार्बन से। तो ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, तो ओ पे डेल माइनस आएगा, इसके पे डेल प्लस आएगा, यहाँ पे भी डेल माइनस आएगा और डेल प्लस आएगा, ठीक है। डेल माइनस आएगा और डेल प्लस आएगा। इस ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन का और कार्बन के बीच में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, वो हमें लिख के उसका डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं कि 3.44 होता है, 3.44 होता है। और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब 2.55 होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3.558 आ जाएगा, 0.89 आ गया। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर अगर निकालें डेली, ये यहाँ पर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.44। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.20, 2.20। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1.24। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो डेल माइनस और डेल प्लस आ रहा है, यानी जो डेल माइनस क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है यानी कितना नेगेटिव चार्ज आएगा और कितना इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव इधर आएगा। वो डेल माइनस डेल प्लस यानी डेल मतलब इक्वल अमाउंट, जो जितना अगर 2 यूनिट इधर है तो इधर 2 यूनिट होगा, इधर -2 यूनिट, इधर +2 यूनिट। अगर यहाँ पे -5 यूनिट होगा तो इधर +5 यूनिट, मतलब जो चार्जेस बराबर रहता है लेफ्ट साइड राइट साइड, डेल प्लस डेल माइनस। तो डेल माइनस कितना आएगा, अगर जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर जितना अधिक होगा, जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसे इंक्रीज करेगा, डेल माइनस उतना ही अधिक होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर जैसे इंक्रीज करेगा, डेल माइनस चार्ज जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर 2 यूनिट था तो 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट ऐसे इंक्रीज करेगा। अगर इस जिस सिमिलर है, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, उसी डेल माइनस चार्जेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस है, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.24 है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.89 है। यानी इसका इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ओ सी का इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस कम है एज़ कम्पेयर टू ओ एच। तो ओ एच पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएगा। डेल माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पुल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पुल हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पुल हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पुल हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पुल हो रहा है, लेकिन डेल माइनस पे चार्जेस इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और डेल माइनस पे चार्जेस इंक्रीज कर रहा है यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ज़्यादा कंसनट्रेट कर रहा है, कंसनट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो जो यहाँ पे कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन से। तो जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सपोज डेल टू आ रहा है, यहाँ पर डेल वन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वन वन है, यहाँ मतलब बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल वन है और यहाँ पे डेल टू है। अगर दोनों का मॉडुलस लें, डेल वन एंड डेल टू, डेल टू मतलब मैग्नीट्यूड, तो डेल टू का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा डेल वन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा है तो इधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो डेल टू का मैग्नीट्यूड, डेल टू का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा
डेल वन के मैग्नीट्यूड से, डेल टू का मैग्नीट्यूड तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। डेल टू का मैग्नीट्यूड मतलब जो नेगेटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन है यहाँ पर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन से, तो इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया तो जो ऑक्सीजन का जो खींचने का क्षमता था, जो ऑक्सीजन का इधर खींचने का क्षमता था वो कम हो गया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन को जो इस तरह खींच रहा था, जो राइट साइड ऑक्सीजन खींच रहा था, जितना खींच रहा था वो इधर भी, इधर भी, यहाँ भी खींच रहा है, लेकिन जो क्षमता था खींचने का, जो कैपेसिटी था जो खींचने का, वो कैपेसिटी कम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डेल माइनस चार्ज डेवलप कर रहा है, यहाँ पर डेल माइनस चार्ज डेवलप कर रहा है, और डेल माइनस चार्ज डेवलप कर रहा है यहाँ पर, डेल माइनस बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो खींचना तो कम कर देगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन कम होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन कम रहता है तो वो घिसता है इलेक्ट्रॉन्स को, घिसता है यहाँ से, घिसता है बहुत ज़्यादा घिसता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया तो घिंचने के अलावा पुश करने लगेगा, मतलब इसको पुल करना चाहिए लेकिन पुल करना छोड़ो, पुश करना स्टार्ट कर देगा, यानी जितना ये खींच रहा था ओरिजिनली जितना खींच रहा था वो कम हो जाएगा, एक्चुअल में वो कम हो जाएगा, तो जिसके कारण ओवरऑल तो खींच रहा है लेकिन कितना खींच रहा है कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, ओ आर और ओ एच से हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओ आर को मतलब ओ सी लिखे हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैच है, तो जो यहाँ पे डेल माइनस है यहाँ पे भी डेल माइनस, लेकिन इसका डेल माइनस बहुत ज़्यादा है, डेल माइनस मतलब डेल टू, उसको डेल टू लेकर चलें, डेल टू काफ़ी ज़्यादा है डेल वन से, यानी यहाँ पे माइनस चार्ज कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो ये कम पुल करेगा, कम पुल ये मतलब पुश करने लगेगा, पुश करने में लगेगा यानी कम पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, बहुत कम पुल करेगा इधर, बहुत कम पुल करेगा इधर राइट साइड, बहुत कम पुल करेगा, ठीक है कम पुल करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, इसके लिए कम पुल कर रहा है ना, इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, और ये इसका इसका चार्जेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, डेल वन बहुत कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, यानी ये भी पुल करेगा, लेकिन ये जो पुल करेगा इससे काफ़ी ज़्यादा करेगा क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन बढ़ गया, इसके कारण इसका खींचने का कैपेसिटी कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गया यानी माइनस आई इफेक्ट वो कम हो गया, लेकिन इसका माइनस इफेक्ट इसका भी कम हुआ है, लेकिन इसका इसके कंपेरिजन में उतना कम नहीं हुआ है, इसलिए ओ आर का काफ़ी ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू ओ एच से, इसलिए इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ओ आर का यहाँ पे ओ आर का, तो फाइनली हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट ओ आर का ज़्यादा होता है ओ एच से, ये एक्सप्लेनेशन, रियल एक्सप्लेनेशन ये है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप एग्जाम में कैसे देंगे, आपको दे देंगे ओ एच का इंडक्टिव इफेक्ट ओ आर से ज़्यादा है, एग्जाम में से दे देंगे, आपका पहला स्टेटमेंट ये रहेगा, आपका स्टेटमेंट वन, आपका स्टेटमेंट ये वन ये रहेगा, ओ एच का माइनस आई का माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर ये है, इसका इसका रीजन देंगे, यहाँ पे ये आर ग्रुप लग गया जिसके कारण से घिंचने की कैपेसिटी कम हो गया, जिस आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है अल्काइल ग्रुप, तो प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड के कारण इस इधर इसका घिंचने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन घिंचने की कैपेसिटी वो कम हो गया है, और यहाँ पर एच लग रहा है, एच का प्लस आई माइनस आई कुछ भी नहीं लगता है, रेफरेंस एलिमेंट है, इसका प्लस आई माइनस आई जीरो होता है, जिसके कारण इसका घिंचने की कैपेसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगने के कारण, प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण इसका घिंचने की कैपेसिटी कम हो गया, ऐसा यहाँ पे रीजन में लिखेंगे, आप बोले यार स्टेटमेंट सही वन भी सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है, यानी दोनों सही है, ऐसा एग्जाम में लगेगा, और सब मतलब काफ़ी जनता गलत करके आएगा आंसर इसका, जितना भी स्टूडेंट लोग दे रहा होगा एग्ज़ाम वो मैक्सिमम गलत करके आएगा, मतलब 90% मतलब श्योर है, मतलब कुछ अगर 90%, अगर 100% जितना स्टूडेंट है उसमें से सबसे पहले 30% स्टूडेंट होगा वो जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा होगा, 30% स्टूडेंट, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, किसी बड़े बड़े अब किसी भी मतलब बड़े बड़े रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट पढ़ लें, मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं, आप वहाँ पढ़ लें तो वहाँ पे मतलब मैक्सिमम टीचर्स को ऐसा पता नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी टीचर को या किसी को पता ही नहीं रहता है, वैसा नहीं, मतलब मैक्सिमम या परसेंटेज के बाद बोल रहे हैं, तो 30% स्टूडेंट्स तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में जब पढ़ाई पढ़ रहे होंगे नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, तो उनके टीचर ने 30% स्टूडेंट्स को ही पता होगा, 30% स्टूडेंट में से भी 20% स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के वक्त ये सब याद होगा, मतलब 10% स्टूडेंट तो एग्ज़ाम आते थे सब भूल जाते हैं, ये सब चीज़ भूल जाएंगे, और 20% भी कन्फ्यूज़न में आके मतलब 10% ही स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में इसको करेक्ट कर पाते हैं सही से, एकदम एक्सप्लेनेशन रीजन के साथ करेक्ट पढ़ पाते हैं, सब पता है एग्जाम में क्या पढ़ते हैं,
एग्जाम में सिर्फ खाली मतलब कोई भी सिलेबस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो खाली ये सब कुछ पढ़ते हैं, ये सब कुछ खाली ऑर्डर पढ़ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल करके, कभी ये ग्रुप पुट करके, ये ग्रुप ग्रुप लगा के पूछते हैं, फर्स्ट सेकंड थ्री कंपाउंड है, ये सब ग्रुप लगा हुआ है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा कम होगा, बस इसी तरह बस सिंपल क्वेश्चन। मतलब अगर एसेशन रिजन का क्वेश्चन रह जाए, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर पैसेज में आ जाए, पैसेज में अगर आ गया तो मतलब रेयर रेयर स्टूडेंट है ना, मतलब वो शायद सही करके आए, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एकदम क्वेश्चन है, एकदम कंफ्यूजिंग डाटा, मतलब ये सब समझना है, मतलब इसको एकदम डिटेल में एक बार समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इसको पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज जरूर करें, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत किसी भी किताब में खोज लें, घुस के किसी भी इंडियन राइटर का किताब में आपको ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, किसी भी इंडियन राइटर का किताब में। और जो मेरा बुक्स है जिसमें हम लिखे हुए हैं सारा नोट्स है, आप उस नोट्स को भी देखेंगे पढ़ेंगे, मेरे वेबसाइट में जाएंगे जेई केमिस्ट्री .com, ये मेरा वेबसाइट है, इसमें जाएंगे आपको सब ये JEE CHEMISTRY, इसमें सब कुछ मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, आप परचेज भी कर सकते हैं, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह समझना है, ठीक है, ORH एक्सप्लेनेशन समझा दिए हैं, और यहाँ पे एक ऑडिटोरियम का हेड ऑन से ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका, और यहाँ पे दो ग्रुप है इधर, ये भी एक्चुअली फिनाइल है, फिनाइल मतलब इस तरह का रिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कार्बन कितने कितने sp, कौन से एक डिग्री का है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर ये अटैच है ये किसी कंपाउंड, ये कार्बन कितना है sp हाइब्रिडाइज है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि sp का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होता है sp2 से और sp3 से, sp कार्बन जो कार्बन होता है, sp कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है sp2 से sp3 से, ये कार्बन जो अटैच है किसी भी कंपाउंड में, ये कार्बन अटैच होगा, ये कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन से, और इस कार्बन का यहाँ पर जो फिनाइल इस तरह अटैच होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp का इलेक्ट्रोनिगेटिव काफ़ी ज़्यादा होता है sp2 से, दैट्स वाई इस कंपाउंड हैविंग हायर माइनस आई इफेक्ट देन दिस कंपाउंड, इसका कंपाउंड का sp2 है, और यहाँ पर जो कार्बन है इसका भी sp2 है, इस कार्बन का भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, इस दोनों कंपाउंड एक्चुअली सेम सेम चीज़ है, इसका भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, तो इसका ज़्यादा काहे हो गया, इसका जो sp2 है ये रेजोनेंस में इस तरह करके ये मतलब रेजोनेंस करेगा, ठीक है, इस तरह करके ये रेजोनेंस करेगा, तो इस तरह ये रेजोनेंस करता है, यहाँ पे रेजोनेंस करता है, ब्रेक कर जाता है बॉन्ड वगैरह, बेंड कर रेजोनेंस जाता है, तो ये रेजोनेंस करने के कारण यहाँ का माइनस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर स्टैटिक है, यहाँ पर रेजोनेंस है, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत समझना जरूरी है। यहाँ पर ड्यूटेरियम का हाइड्रोन से ज़्यादा होता है, ये तो बेसिक चीज़ है, ड्यूटेरियम का हाइड्रोन से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, ये सब समझा दिए, ठीक है। किसी कंपाउंड में आयोडीन दिया हो और ओएच दिया हो तो आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो जो भी न्यूट्रल इस माइनस प्लस चार्ज जो भी कंपाउंड रहेगा, प्लस चार्ज उसका अगर किसी कंपाउंड में कहीं पे दिया हो, प्लस चार्ज दे दिया हो, ठीक है, कहीं पे प्लस चार्ज दिया हो किसी कंपाउंड में, न्यूट्रल दिया हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि सपोज एक एग्जांपल्स है यहाँ पे, ये कितने नंबर एग्जांपल्स है, ये वाला एग्जांपल सेकेंड मान लो कुछ भी थर्ड देते हैं, सपोज 3 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी कंपाउंड में अगर NO2 लगा हो और किसी कंपाउंड में आयोडीन लगा हो पहला दूसरा, और किसी कंपाउंड में प्लस लगा हो और किसी कंपाउंड में इस तरह OH लगा, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और सब पूछे कंपेयर द नेगेटिव इफेक्ट्स, तो जो न्यू जो प्लस चार्ज वाला जहाँ भी आता है इस कंपाउंड में, कहीं भी किसी कंपाउंड में अगर प्लस चार्ज वाला ऐसा चीज़ देख ले आप, अगर ऐसा कहीं पर एग्जांपल देख ले जहाँ प्लस चार्ज इस तरह आ रहा है, तो प्लस चार्ज आ रहा है मतलब समझिए मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो गया, जहाँ चार्जेज आ रहा है काफ़ी अनस्टेबल होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने का कोशिश करता है, और इसका माइनस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये थ्री का डेफिनेटली और किसी से ज़्यादा होगा। अब जैसे न्यूट्रल कंपाउंड में न्यूट्रल कंपाउंड में NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर NO2 का हम एक्सप्लेन दिए हुए ऑर्डर में दिए हुए, NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, यानी NO2 का ज़्यादा हो गया यानी ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये दो हो गया, अब आयोडीन OH में आयोडीन का ज़्यादा होता है, और OH से OH का इलेक्ट्रोनिगेटिव आयोडीन से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर OH यहाँ पर डेल
माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज डेवलप होता है। जैसे ओ एच यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर डेल माइनस हो जाता है, डेल प्लस हो जाता है। डेल माइनस आया तो जहाँ पर इसका खींचने का टेंडेंसी था ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हुआ, यानी खींचने का टेंडेंसी मतलब इस तरह खींचने का टेंडेंसी था। अब वो पुल कर रहा था अपनी ओर, पुल कर रहा था। अब जैसे माइनस चार्ज डेल माइनस डेवलप हुआ, वो पुश करने लगेगा, तो पुश करने लगा यानी इसका चार्ज जो कैपेसिटी था वो कम हो जाता है, वो आयोडीन से भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से काफ़ी कम होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जैसे पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे, इसमें सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल रहता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 होता है, 3.44 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.66, 2.66 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है, इसका आयोडीन का 2.66 है, लेकिन इस दोनों को कंपेयर करें तो इसका ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट हो जाता है। इसका माइनस आई इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ओ एच, बिकॉज ओ एच के कारण यहाँ पर एच लगा हुआ, इसके कारण यहाँ पर डेल माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। डेल माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया यानी जब पुल करने वाला था वो तो पुश करने लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बीच में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन के बीच में, कंडीशन को देख के यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। हमको बहुत सारा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एफिशिएंसी को चेक करके हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। ऐसे माइनस चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं माइनस आई प्लस आई इफेक्ट को। अभी माइनस आई इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्लस आई इफेक्ट को देखेंगे। चलिए अब ये ख़त्म हो गया, अब इसके बाद ये सब एग्जाम्पल समझ गए, आपको समझ में ये सब आएगा धीरे धीरे। अगर आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अगर आप पास आउट और स्टूडेंट हैं तो आप तो एक बार भी समझ गए होंगे। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हैं तो आप मेरे बुक्स भी रखे साथ साथ, सब कुछ एक्सप्लेनेशन एकदम लिखा हुआ अच्छे से, कुछ भी टेंशन नहीं है। और नोट्स को देखिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम मतलब 90% कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी टीचर्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, 90% बोल रहे हैं, मतलब सोचिए क्या हालत है अभी आईआईटी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी, छोड़िए उसे बात। और मतलब इस तरह से हम लोग ऑर्डर को निकालते हैं, ठीक है। हल्का से यहाँ करेक्शन है, एक्चुअली यहाँ पे पहले ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन्स था, ड्यूटेरियम था माइनस आई इफेक्ट में, एक्चुअली ये नहीं हाइड्रोजन्स होता है माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में, यहाँ पर हाइड्रोजन्स होगा ड्यूटेरियम नहीं होगा, ड्यूटेरियम प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एक्चुअली यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो करता है। पहले यहाँ पे ऐसे ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन्स लिखा होता जो कि गलत है, इस तरह नहीं होगा, हाइड्रोजन्स होगा, हाइड्रोजन्स ड्यूटेरियम प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी एक हम बता दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगा हुआ है, ड्यूटेरियम में प्लस आई इफेक्ट शो करता है, हाइड्रोजन प्लस आई प्लस माइनस आई जीरो होता है इसका, इसलिए प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड का प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है सेकेंड कंपाउंड से। अब हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स इसमें क्या होता है कि कोई कंपाउंड है, ग्रुप लगा हुआ है, या तो इस ग्रुप का पहला कंडीशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, एच कंपेयर टू कार्बन, जो कार्बन इससे अटैच है सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कंपेयर टू दिस कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह पुश करेगा, ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को लेफ्ट साइड पुश करेगा। या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है या तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इस कंडीशन में भी ये स्टेबलाइज होने के लिए इस तरह पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट किस तरह का बन सकता है, यह ग्रुप जी माइनस, इस तरह का माइनस टाइप का ग्रुप, माइनस चार्ज होगा मतलब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और वो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड पुल करता है, ऐसे केस में वो लेफ्ट साइड उधर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है, पहला तो वो नेगेटिव चार्ज जो भी कंपाउंड होगा वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड पुश करेगा। अगर इस केस में यहाँ पे, अगर इसके केस में अगर ओ माइनस है, सी
ओ माइनस है, ऐसा कोई कंपाउंड हुआ वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो उसका प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्लस आई इफेक्ट का हम एक ऑर्डर लिख देते हैं, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। कोई कंपाउंड हुआ इसे सपोज ओ माइनस ये लगा हुआ, अगर ग्रुप ये लगा हुआ है सी ओ माइनस, ये ग्रुप लगा हुआ है और ग्रुप है सी एच थ्री, तो ये इस तरह ना हो, ये टर्सरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है, इस दिस कार्बन थ्री कार्बन से अटैच है, थ्री मिथाइल ग्रुप से, ये टर्सरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन भी हो सकता है इस तरह, आइए सिर्फ मिथाइल भी हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन भी हो सकता है और मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन हो गया इस तरह, ये हल्का सा प्राइमरी कार्बन होगा पहले, ये सी एच सी एच टू, इसे सी एच, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और इसके बाद हो सकता है एक सिर्फ मिथाइल भी हो सकता है, और इसके बाद ड्यूटेरियम हो सकता है, इसके बाद हाइड्रोजन हो सकता है। जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इस तरह का जो मिथाइल ग्रुप है वो भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इस तरह का मिथाइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इस सबको याद रखना है इस पॉइंट को। ड्यूटेरियम का प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जांपल दिया हुआ है इस तरह का कोई कार्बन चेन, इस तरह कोई कंपाउंड है, यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा हुआ है, इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ चार कार्बन, तो हाइड्रोजन का प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई एंड माइनस आई दोनों ही जीरो मान के चलते हैं, रेफरेंस एलिमेंट है हाइड्रोजन को, इंडक्टिव इफेक्ट्स का थ्योरी में हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट मान के चलते हैं, प्लस आई माइनस आई इसका जीरो होता है। ड्यूटेरियम का ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह पुश करता है, पुश मतलब अपने से दूर करता है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को, तो इस तरह ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल्स दिया हो, अगर एग्जाम्पल्स दिया हो, इस तरह एग्जाम्पल्स है ओ माइनस लगाओ, ठीक है, आई से एग्जाम्पल्स में सी एच थ्री लगाओ, ठीक है, इसके बीच में कंपेयर करना हो इन दोनों के बीच में, तो इसका प्लस आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू दिस प्लस आई, ये भी प्लस आई देता है, लेकिन इसका प्लस आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स का ऑर्डर अगर हम लोग को लिखना हो, ये पहला है, ये सेकेंड कंपाउंड है, तो पहला का प्लस आई इफेक्ट सेकेंड से काफ़ी ज़्यादा होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड अगर आ गया तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। जो सिंपल से बात है, प्लस आई इफेक्ट काफ़ी सिंपल है, मेनली हम लोग को माइनस आई इफेक्ट में कंसंट्रेट करना है, ठीक है। ये ऑर्डर भी हम लोग लिख दिए, जनरली यही ऑर्डर होता है, यही सब कंपाउंड होता है। मेनली जो क्वेश्चन होता है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अराइज होता है। तो माइनस आई इफेक्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्लस आई माइनस आई इस तरह कंप्लीट हो गया। अब इसका थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे रेजोनेंस, इसका एप्लीकेशन भी है, हम नोट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस नोट को आप लोग याद रखिएगा, मतलब बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम एक नोट लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेजोनेंस मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशंस और एसिड बेस, ये सब कुछ मतलब सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि किसी कंपाउंड्स में अगर किसी कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट चेक करना है, एसिड बेस का किसी का डाइपोल मोमेंट चेक करना है, एसिड बेस एसिड का एसिड बेस स्ट्रेंथ चेक करना है, एसिड बेस स्ट्रेंथ टीएच, एसिड बेस स्ट्रेंथ चेक करना है, बॉन्ड लेंथ चेक करना है, और बहुत सारी चीज जगह पे ये सब का एप्लीकेशन होता है। तो ये सब जो हम लोग निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, एसिड बेस, ये सब कुछ का मतलब साइमल्टेनियसली अगर उस कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, ये सब आता है, सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन में निकलते हैं कि उसका एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। हम लोग तो यहाँ पर डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट्स के बाद
जनरली बुक्स में इंडक्टिव इफेक्ट्स इस तरह प्लस माइनस पढ़ने के बाद एप्लीकेशन दिया होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। लेकिन किसी भी कंपाउंड्स में अगर किसी का एक्चुअल डैपल मोमेंट, एसिड बेस स्ट्रेंथ सब जानना है, तो पहले तो हमको एसिड बेस स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, किस कंपाउंड का ज़्यादा होता है, उसके बाद हम लोग प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से उसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसलिए हमको उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमेशा लास्ट में पढ़ने में सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हम लोग एक साथ मेसोमेरिक रेजोनेंस ये सब को भी समझ सकते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स ये हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। जब रेजोनेंस ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो एट द लास्ट हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें सारा एप्लीकेशन एक साथ पढ़ेंगे, रेजोनेंस का एसिड बेस सब कुछ मतलब एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी सिंपली एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, इससे हम लोग प्लस आई माइनस आई थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें डायरेक्शन से करना है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का, इस डायरेक्शन में कौन सा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होगा, किस डायरेक्शन में क्यों रहेगा। ऐसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी ये जो सल्फर है यहाँ पर, ये जो सल्फर है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस आई शो प्लस नहीं माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेस है तो इस तरह ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इस डायरेक्शंस में हम लोग शो करना है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ये वाला ग्रुप है, ये वाला सी ओ, ये ऑक्सीजन से माइनस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कीटोन है, तो इस तरह ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर माइनस आई इफेक्ट को दिखाना हो तो इस तरह दिखाएंगे, एक बॉन्ड में सिर्फ जाएगा, एक बॉन्ड में, दो बॉन्ड में नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड से सिर्फ ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर ये इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से ये वाला विड्रॉ करेगा, इधर से इधर ऐसे जाएगा, ये वाला भी इस तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग माइनस आई इफेक्ट को दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पे ये साइनाइड है, साइनाइड है, इसका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इस डायरेक्शन में ये शो करेगा, इस डायरेक्शन में शो करेगा, इस डायरेक्शन में शो करेगा। एक्चुअली यहाँ पे एन ए प्लस ओ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब ओ माइनस हम लोग सिर्फ ये साल्ट है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ओ माइनस को कंसिडर करेंगे। ओ माइनस मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो इस डायरेक्शन ही पुश करेगा, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में ये इफेक्ट जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनिविटी यहाँ ज़्यादा था, कीटोन है, तो ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, सिर्फ एक बॉन्ड हम लोग शो करेंगे। ब्रोमीन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इस डायरेक्शन से हम लोग पुल करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर साल्ट है, इसको हटा देंगे, मतलब ओ माइनस ट्रीट करेंगे, ओ माइनस ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन को भी पुश करेगा, लेकिन यहाँ पर ओ माइनस ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा अपनी ओर, ओ माइनस का इलेक्ट्रॉनिविटी ज़्यादा है तो अपनी अपर अपर साइड में होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा ये पुल करेगा, ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह पुल करेगा, इस तरह इस तरह हो गया यहाँ पे, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड्स पे ऑपरेट करेगा इस तरह। और यहाँ पे क्या होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना चाहेगा, ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस तरह पुल करना चाहेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह पुल करेगा, अपने तरफ पुल करेगा, और यहाँ पे इस तरह पुल करेगा और ये पुश भी करेगा, पुल पुश यहाँ दोनों होगा। एक्चुअली यहाँ पे इससे ये पुल होगा और इससे ये इधर पुश करना चाहेगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा, और जो आधा आधा हुआ वो आधा ऊपर साइड आधा ऊपर साइड होगा, क्योंकि लगभग अभी यहाँ पर दो दो ग्रुप्स लगे हुए, एक ग्रुप्स इधर है और एक ग्रुप्स इधर है, तो इसमें डिसाइड करना है कि प्लस आई माइनस आई कैसे लग रहा है, किसमें लग रहा है और कितना लग रहा है। अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर दोनों माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है, देखो यहाँ पर एक तरह से देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक है लेकिन ये साल्ट बन गया है। एक्चुअली ये कार्बो अगर यहाँ पर एच होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में सेपरेटली ये ग्रुप लगा रहता है, ये ग्रुप नहीं होता, तो ये माइनस आई पक्का शो करता। लेकिन अगर दो कंपाउंड अगर लगे हुए हैं सेम, दिस कंपाउंड बेंजीन में दोनों कंपाउंड लिखे हैं, लगे हुए हैं, दोनों माइनस आई ग्रुप हैं, तो ऐसे केस में एक माइनस आई की तरह काम करेगा, एक प्लस आई काम करेगा। क्योंकि अगर इसका
ज़्यादा हो गया, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपने तरफ पुल करना चाहेगा, ठीक है, ये अपने तरफ इस तरह पुल करना चाहेगा, अपने तरफ से डाउनवर्ड साइड में। ये भी माइनस साइड इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन ये एज कंपेरिजन टू दिस नाइट्रो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक वाला जो एनायन है, ये बिल्कुल लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की तरह काम करेगा, लेकिन ये ज़्यादा, इसका माइनस आई ज़्यादा काम करेगा। तो ऐसे केस में इसका भी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो यहाँ पे हमको ग्रुप के अंदर प्लस आई माइनस आई यहाँ पर शो करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस आई माइनस आई शो करने का मतलब जो जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये ग्रुप हमेशा ये ग्रुप का ज़्यादा हो गया, तो ये इस तरह इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। तो ओवरऑल बाय दिस ग्रुप इलेक्ट्रॉन विल बी गो डाउनवर्ड डायरेक्शंस बाय द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो ये ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ओवरऑल। सो इन दिस डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड हम लोग खाली शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड में इस तरह इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड साइड में, डाउनवर्ड साइड में आएगा, डाउनवर्ड साइड में आएगा, और ये इसमें डाउनवर्ड साइड में, इस डायरेक्शन में इस तरह हम लोग शो करेंगे। ऐसे यहाँ का फ्लोरिन है, फ्लोरिन का माइनस आई इफेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इस तरह नीचे की ओर आएगा। लेकिन सपोज अगर यहाँ पे इस तरह कंपाउंड दिया जाता CH2CH3, जैसे कि जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट अगर यहाँ पे इस तरह दिया होता तो ये इस तरह कंपाउंड होता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ थ्री एटम्स तक, प्लस आई माइनस आई ओनली थ्री एटम्स तक ऑब्जर्व किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू होगा, ठीक है। तो वन वन टू थ्री यहीं तक आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन एरो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक ऑब्जर्व होगा, क्योंकि थ्री एटम तक ही इसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, थ्री एटम्स के बाद इसका इफेक्ट नेगलिजिबल हो जाता है। तो ऐसे एग्जाम में भी कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि अगर पहले वाला एक एग्जाम्पल दे देगा और ये वाला एग्जाम्पल दे देगा, दोनों से पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो इस तरह भी हमको सोचना पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। अभी इस कंपाउंड में देखेंगे, यहाँ पर कीटोन है, तो यहाँ पर भी ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा ये वाला कंपाउंड। यहाँ पर भी ऑल्सो स्ट्रक्चर्स में सिर्फ एक बॉन्ड में शो करेंगे, स्ट्रक्चर्स में काम करेगा माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली दिस कंपाउंड में भी ये स्ट्रक्चर्स में काम करेगा, और यहाँ पर इस तरह काम करेगा, इस तरह काम करेगा, यहाँ पर क्या है कि ये इस तरफ काम करेगा, ये आधा यहाँ से ये बराबर है, तो आधा इस तरफ बढ़ जाएगा, इधर 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 का खींचेगा, ये इधर का खींचेगा। तो इस तरह हम लोग प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का जो एरो दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, इस तरह डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे कि एक एग्जांपल्स है आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल्स है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इनकरेक्ट डायरेक्शंस। एक्चुअली ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये डायरेक्शन पूरा पॉजिटिव ये सही है, इस तरह ये पुल करेगा, इस तरह पुल पुश करेगा, ये इस तरह पुश करेगा, पुश करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये मिथाइल, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इस तरह ये पुल कर रहा है अपने आप को, इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर रहा है, ये भी सही है। इस तरह ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पुश किया इस तरह पुश कर रहा है, ये भी चार्जेस ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कीटोन कीटोन लगाया, तो ये इस तरह इधर पुल पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये इस तरफ जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना चाहिए था। एक्चुअली ये वाला हम ड्रॉ एक्चुअली ये वाला हम शो किए हैं यहाँ पे, ऐसे ये एग्जाम्पल सिमिलरली एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा, ये एग्जाम्पल्स में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आया हुआ है, इस तरह इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल्स में ये वाला अपोजिट जा रहा है, ये वाला एग्जाम्पल्स में ये इस तरह अपोजिट जा रहा है, इसके कारण ये वाला जो डायरेक्शन शो किया गया है, ये डायरेक्शन गलत है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इंडक्टिव इफेक्ट्स इन्वॉल्व क्या है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये हम पहले बता सकते हैं, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वो कंप्लीट अपने ऑर्बिटल को छोड़ता नहीं है, वो शिफ्ट स्लाइटली शिफ्ट होता है, लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो अपने ऑर्बिटल्स को वो नहीं छोड़ता है। यहाँ पर डिकोलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डिकोलाइजेशन अलग होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिकोलाइजेशन मतलब ऑर्बिटल्स को लिप कर देगा, ऑर्बिटल्स को छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डिकोलाइजेशन का मतलब ये हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वो ओरिजिनल ऑर्बिटल हमेशा अपना वो रहेगा ही। डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ ए गिवन ग्रुप, किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रो का ज़्यादा होता है साइनाइड से, तो नाइट्रो साइनाइड होता है, फिर क्या होता है, फिर होता है, फिर अमाइन होता है, तो क्या हो गया, बी ए डी सी, ए हमारा सही हो गया, इसमें डी सही हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, इसमें ये बी सही हो जाएगा। ऐसे ही मतलब सिंपल सिंपल एग्जांपल्स इसका है, इसका एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये वाला एक्सरसाइज शीट जो मेरा सेट किया हुआ है क्वेश्चंस, इसको आप लोग
मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी आपको अवेलेबल होगा।